भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष बृजकिशोर राय ने बुधवार को जिला पंचायत सभागार में किसान बिल के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसके संबंध में मोर्चा के महानगर अध्यक्ष बृजकिशोर राय ने बताया कि किसान बिल किसानों के हित में है, जिसे संसद में पूरी बहुमत के साथ पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में किसान बिल कानून के रूप में लिया जाए। किसान बिल पास होते ही पूरा विपक्ष किसानों को भ्रमित करने में लग गया है तथा कथित किसान नेता विभिन्न प्रांतों में ट्रैक्टर को जलाने का काम किए हैं। किसान को पूरी दुनिया अन्नदाता के रूप में उसकी पूजा करती है, क्योंकि किसान अन्न को पैदा कर सबका पेट भरते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर से किसान जीविकोपार्जन करता है, ना कि जलाता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान बिल लाकर किसानों को स्वतंत्रता प्रदान की है, उनको उत्पाद बेचने की आजादी दी है। किसानों से कोई मंडी शुल्क नहीं लिया जाएगा और किसानों को अपने उत्पादों को कहीं पर भी बेचने की आजादी रहेगी। यह बात विपक्ष के नेताओं को हजम नहीं हो रहा है, जो कि दलाल नेताओं के साथ मिलकर किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष बृजकिशोर राय ने कहा, बृजकिशोर राय किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष गोरखपुर जी, आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर किसान मोर्चा महानगर, जो एक ऐतिहासिक बिल लोकसभा के संसद में बहुमत से पारित किया गया और राज्यसभा में कानून का रूप लिया है, कानून का रूप लेने के बाद विपक्षी जो तथाकथित किसान हैं, तो हैं वो नेता लेकिन अपने को किसान मानते हैं, ट्रैक्टर जिसे हम भगवान कहते हैं, हल जिसे मैं भगवान कहते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने परिवार का विश्व का भरण पोषण करते हैं, उसे फूंकने का काम किया। किसान अपने भगवान की पूजा करता है। हमने कल अभी गहिरा में अस्त्र का पूजन कराया। किसान कभी भी अपने शस्त्र का जलाने का कार्य नहीं करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक बिल दे करके, जो 60-65 सालों से आढ़तिया कमीशनखोरों ने अपने चंगुल में कैद करके रखा था, उस बिल के माध्यम से किसानों को आज़ादी देने का कार्य किया। वो अपने फसल को गोरखपुर से लेकर के, प्रदेश से लेकर के, देश के किसी कोने में बेचें, उनसे कोई मंडी शुल्क नहीं लिया जाएगा, उनके साथ कोई अनाचार नहीं होगा, उनके समर्थन मूल्य को बढ़ाने का कार्य किया, समर्थन मूल्य जारी रहेगा। इस बात का किसानों में भ्रम फैलाया गया कि मंडियां समाप्त की जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने किसानों को आज़ादी दिया समर्थन मूल्य से। अगर अधिक कहीं उनको उपज का लाभ मिलता है, चाहे फ्लोर मिल पर या कहीं और ले जा करके, तो बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारी सरकार ने, हमारी प्रधानमंत्री ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए कार्य किया। हमने सम्मान निधि का पैसा किसान को 6,000 रुपये साल में देने का कार्य किया। कुल मिलाकर के यह जो उपद्रव किया जा रहा है, यह किसान बिल का विरोध करने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसानों को बरगनाने का कार्य ये सपा बसपा मिलकर के कर रही है। किसान को देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है, किसानों ने भरोसा जताया। प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो आह्वान किया, उस पर हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी दृढ़ संकल्प हैं, हम किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं।